हेलो बच्चों, यू आर आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजकुमार फिजिक्स गुरु जी एंड माय एकेडमी पीसीएसएस फिजिक्स प्लस मैथ्स एकेडमी वर्धा। नाउ बेटा, वी आर गोइंग टू सॉल्व द एमसीक्यूज ऑफ अ क्वेश्चन बैंक। ओके, सो सी द एमसीक्यूज। ईच एमसीक्यू इज ऑफ 2 मार्क्स। द फर्स्ट एमसीक्यू इज ओके, व्हाट इज द फर्स्ट एमसीक्यू एंड व्हाट आर इट्स ऑप्शंस, जस्ट चेक इट आउट। ओके, सो प्रॉब्लम क्या है बेटा, ध्यान दो बरोबर। प्रॉब्लम ये है फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टैन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू, आंसर क्या आएगा ये हमें पूछा है। या ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए हमें मेंशन किया है कि भाई 1/2 रूट टैन एक्स प्लस सी, ऑप्शन बी दिया है 2√10x + c, ऑप्शन सी √2 tan x + c और ऑप्शन डी 1/√2 tan x + c। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक राइट ऑप्शन है बेटा। फिर से बताओ प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ √10x/sin x + cos x dx इक्वल टू कितना। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब तक इंटीग्रेशन है तब तक dx होता है, डीएक्स यानी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, डीएक्स का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीएक्स का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, हाँ, तो जब तक बेटा ये इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं तब तक ये डीएक्स है, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया कि डीएक्स चला जाता है। अब आप मुझे बताइए √10x/sin x × cos x इसका इंटीग्रेशन आपको इस वक्त मालूम है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर, मैंने आपको बेटा ऑलरेडी ये इंटीग्रेशन के जो फंक्शन से 28 फंक्शंस उसके फॉर्मूलेज आपको बता चुका हूँ मैं समरी में। ओके, तो हम इस प्रॉब्लम को मतलब इस प्रकार से सॉल्व करेंगे ताकि उनमें से किसी एक फॉर्मूले में वो फिट हो। हर प्रॉब्लम जो हम इंटीग्रेशन का सॉल्व करते हैं बेटा, उसमें यही ट्रिक याद रखनी है कि हमें वो जो प्रॉब्लम दिया है उसको इस प्रकार से फर्दर सॉल्व करते जाना है कि जिसका इंटीग्रेशन हमें मालूम हो, और जैसे ही हमें इंटीग्रेशन मालूम हो जाता है अगले स्टेप में वो हम फार्मूला यूज़ करके उसको लिखते हैं और हमें इस प्रकार से आंसर मिल जाता है। सो अब बेटा बरोबर ध्यान दीजिए, तो क्या है बेटा देखो, तो वही हम ये देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQs 2 मार्क्स ईच। पहला प्रॉब्लम हम देख रहे हैं बेटा, तो हम सपोज करेंगे यानी लेट पहला जो प्रॉब्लम है कि भाई आई इक्वल टू दिया गया प्रॉब्लम, जो हमें प्रॉब्लम दिया गया है क्या दिया है, तो आप बोलेंगे सर इंटीग्रेशन √10x/sin x × cos x dx। मैंने अभी आपको प्रश्न पूछा था कि क्या आपको ये √10x/sin x × cos x का इंटीग्रेशन मालूम है अभी डायरेक्टली, तो आप बोलेंगे सर नहीं, अभी हमें तो डायरेक्टली पता नहीं है, मतलब हमें इसको ऐसी ट्रिक यूज़ करके सॉल्व करना पड़ेगा जिसका इंटीग्रेशन हमें मालूम हो। तो हम यहाँ बेटा एक ट्रिक यूज़ कर रहे हैं कि डिवाइड न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos²x। न्यूमेरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा, cos²x से। ओके, तो जब हम cos²x से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये ध्यान दो, तो आप बोलेंगे कि सर ये जो i है ये वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, ओके हाँ, ये इंटीग्रेशन वैसे ही √10x वैसे ही, और इसको cos²x से डिवाइड किया अपॉन sin x × cos x वैसे ही, और इस डिनोमिनेटर को भी cos²x से डिवाइड किया और ये dx वैसे ही। देखो बेटा, जब हम न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos²x से डिनोट करेंगे तो ये cos²x तो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे प्रॉब्लम पे कुछ असर पड़ा क्या डिवाइड करने से, नहीं असर पड़ा। ओके, तो हमने क्या लिखा फिर, √10x को cos²x से डिवाइड किया और sin x × cos x को भी cos²x से डिवाइड किया, और ये इंटीग्रेशन और dx वैसे ही। अब हम इसको फर्दर सामने लेके जाते हैं तो क्या होगा बताओ बरा फिर, तो आप बोलेंगे सर ये इंटीग्रेशन वैसे ही, ये इक्वल टू वैसे ही, और ये इंटीग्रेशन वैसे ही, बरोबर ये इक्वल टू वैसे ही, आई वैसे ही, ओके इंटीग्रेशन वैसे ही, अच्छा ये √10x वैसे ही, और ये अपॉन cos²x यानी 1/cos²x आ गया बेटा यहाँ पे, आ गया कि नहीं, यस अपॉन, हाँ यहाँ बरोबर ध्यान दो बरा, ये cos x और ये cos²x में इसका एक कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो बचा क्या फिर, तो आप बोलेंगे सर ये sin x
और इसमें का एक कॉस एक्स, हाँ, और ये डी एक्स वैसे ही ओके। अब हम इसको अगर सामने फर्दर लेके गए तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही इंटीग्रेशन वैसे ही रूट टेन एक्स वैसे ही, और ये वन अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स यानी ये सेक्स स्क्वेयर एक्स होता है बेटा, मालूम है ना आपको, क्या मालूम है कि वन अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स होता है बेटा, है ना। अरे तो फिर वन अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वेयर एक्स, और ये बेटा नीचे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यानी टेन एक्स, और ये डी एक्स वैसे ही। अब इस स्टेप को हम अगर सामने लेके गए तो क्या होगा बताओ, तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही इंटीग्रेशन वैसे ही, और ये देखो बेटा बरोबर ध्यान दो, ये जो है रूट टेन एक्स ये कैंसिल हो गया, और टेन एक्स में का रूट टेन एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या फिर बताओ, तो ये सेक्स स्क्वेयर एक्स और इसमें का रूट टेन एक्स। अच्छा आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए लगे तो मैं एक काम करता हूँ कि एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा देता हूँ आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ओके तो कन्फ्यूजन ना होने के लिए ये जो बेटा इक्वल टू है तो ये देखो इक्वल टू वैसे ही लिखा, ये इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन वैसे ही लिखा, और ये जो बेटा रूट टेन एक्स है तो ये भी वैसे ही लिखा रूट टेन एक्स। ओके ये बेटा सेक्स स्क्वेयर एक्स है तो ये भी वैसे ही लिखा सेक्स स्क्वेयर एक्स, हाँ अपॉन बेटा ये देखो ये जो टेन एक्स है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ, रूट टेन एक्स इंटू रूट टेन एक्स, है ना, और ये डी एक्स तो यहाँ आएगा डी एक्स वैसे ही आएगा। ओके वह जगह नहीं एक डी एक्स ख्याल में रखो डी एक्स ओके। हाँ तो ये क्या होगा बेटा देखो बरा रूट टेन एक्स कैंसिल हो गया बरोबर ना, तो बचा क्या सेक्स स्क्वेयर एक्स अपॉन रूट टेन एक्स इंटू डी एक्स, तो वही तो लिखा है ना, ये देखो बरा क्या लिखा है सेक्स स्क्वेयर एक्स और ये रूट टेन एक्स और ये रूट टेन एक्स एक्स कैंसिल किया तो ये बचता है ना बेटा, क्या बचा रूट टेन एक्स और ये डी एक्स वैसे ही। और अब बरोबर ध्यान दीजिए स्टेप को मैं सामने लेके जा रहा हूँ, तो अब क्या आएगा पहले मैं, हाँ अब मैं आपको वापस लेके आया हूँ स्टेप पे, तो बताओ मुझे क्या होगा अभी, तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू ये इंटीग्रेशन, और ये सर अभी हमने देखा कि रूट टेन एक्स और इसमें का एक रूट टेन एक्स कैंसिल हो गया तो बचा क्या सेक्स स्क्वेयर एक्स और इसमें का एक रूट टेन एक्स और ये डी एक्स बचा सर, सही बात है, हाँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो आई आई है आपको मालूम है, लगे तो मैं आपको वापस लेके आया, तो देखो ये आई था ना आई, है ना आई 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 ये चल रहा है तो ये तो वैसे ही आई बरोबर है, हाँ ये इक्वल टू वैसे ही। और ये बेटा देखो बरोबर ध्यान दो ये रूट टेन एक्स ओके और ये सेक्स स्क्वेयर एक्स डी एक्स, अब बरोबर ध्यान दो बेटा, तो यहाँ पे इसका आंसर आता है आई वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और ये आंसर आता है बेटा टू रूट टेन एक्स प्लस सी, ये बेटा आया। अब आप बोलेंगे सर ये आंसर कैसे क्या आया, यस तो ये आंसर कैसे क्या है इसके लिए बेटा ये साइड वर्क देखो, मैंने बेटा मैं बार बार बता रहा हूँ मैंने आपको समरी में 28 इंटीग्रेशन के फंक्शंस बताए और उसके आंसर्स बताए हैं ना, फार्मूले बताए थे ना इंटीग्रेशन के 28 फार्मूलेज बताइए, तो उसमें का एक फार्मूला बेटा ये वाला देखो, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स डी एक्स, मैंने बोला आपको जब तक इंटीग्रेशन है तब तक डी एक्स है, और ये देखो बेटा फंक्शन एफ एक्स ये रूट में है और फंक्शन की डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, तो इस इंटीग्रेशन ये जो इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है इसका आंसर आता है बेटा टू और ये डिनोमिनेटर यानी रूट एफ एक्स टू रूट एफ एक्स, तो एफ एक्स की डेरिवेटिव ये एफ डैश एक्स है, एफ एक्स की डेरिवेटिव ये क्या है बेटा एफ डैश एक्स है, एफ एक्स की डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो ये फंक्शन जब रूट में होता है बेटा ये देखो रूट एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स तो इसका इंटीग्रेशन आता है टू और ये रूट एफ एक्स वैसे ही, तो वैसे बेटा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखो टेन एक्स की डेरिवेटिव आती है बेटा सेक्स स्क्वेयर एक्स, क्या आती है टेन एक्स की डेरिवेटिव आती है बेटा सेक्स स्क्वेयर एक्स, टेन एक्स की डेरिवेटिव ये तो मालूम है ना आपको बेटा टेन एक्स की डेरिवेटिव क्या है सेक्स स्क्वेयर एक्स, मैं लगे तो फिर से लिख के दे देता हूँ, देखो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वेयर एक्स, क्या बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वेयर एक्स, अरे तो वही है ना
ये देखो बेटा, ये जो टैन दिख रहे हो आपको, दिख रहा है ना, ये टैन है, देखो टैन एक्स की डेरिवेटिव सेक्स स्क्वेयर एक्स, और ये जो टैन एक्स, ये फंक्शन रूट में है, मतलब क्या हो गया, देखो फिर ये टैन एक्स यानी एफ एक्स, ये किस में है, रूट में है, और टैन एक्स की डेरिवेटिव मतलब ये एफ एक्स की डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है ना, टैन एक्स की डेरिवेटिव क्या है, सेक्स स्क्वेयर एक्स। हाँ, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है, मतलब इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2, और ये डिनोमिनेटर वैसे ही रूट एफ एक्स। अरे तो वही तो लिखा ना, वही तो लिखा, क्या लिखा फिर, कि भाई ये इक्वल टू वैसे ही आए वैसे ही, और ये जो रूट टैन एक्स है तो ये 2, और ये डिनोमिनेटर रूट टैन एक्स प्लस सी। तो मुझे बताओ फिर, ये जो आंसर आया हमारा आई इक्वल टू 2 रूट टेन एक्स प्लस सी, इसकी ऑप्शन कौन सी है, बी है, जो हमें ए बी सी डी चार ऑप्शंस दी थी ना, तो उसमें से राइट ऑप्शन क्या है, बी है, इसलिए फिर हमने आंसर लिखा कि देयरफॉर ऑप्शन बी इज राइट। कौन सी ऑप्शन राइट बेटा, बी। तो ये हो गया हमारा पहला एमसीक्यू। ओके बेटा, यहाँ पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, अगले वीडियो में बेटा ये जो सेकंड वाला है ये एमसीक्यू देखेंगे। ओके बेटा।